आजकल आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि पालतू कुत्ते ने आते जाते किसी को काट लिया या हमला बोल दिया। इस वजह से कई लोग कुत्तों की कुछ ब्रीड को बैन करने की मांग भी उठा रहे हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। लेकिन पेट लवर्स इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि बैन करने से परेशानी हल नहीं हो जाएगी, बल्कि ये जानना जरूरी है कि पालतू कुत्ते ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर रहे हैं। आखिर इसमें गलती किसकी है कि कुत्ते लोगों को काटने को दौड़ रहे हैं? कहीं हम इंसानों की ही गलती तो नहीं है? कुत्तों को पालने वाले ओनर्स की ही गलती तो नहीं है? अगर ये बातें समझ में आ जाए तो इन मामलों को रोका जा सकता है। नमस्ते, मैं मेधावनी हूँ, आप हैं मंच पर। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो पेट डॉग्स के काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं, मामले कहीं के भी हों, मगर इनके पीछे की वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों की एक वजह ये भी है कि लोग डॉग्स पाल तो ले रहे हैं, लेकिन उनके रख रखाव को लेकर जरूरी जानकारी नहीं हासिल कर रहे हैं। छोटे मकानों और फ्लैट्स में रहने वालों के डॉग्स ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं। जर्मन शेफर्ड को पालना लोग शान की बात समझते हैं, लेकिन जर्मन शेफर्ड जैसे डॉग्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म, विला या बड़े बंगलों के लिए होते हैं, और लोग इन्हें 2-3 बेडरूम के घर में रख रहे हैं जहां उनके लिए ज्यादा जगह नहीं होती। कम स्पेस मिलने की वजह से ये डॉग्स चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और मौका मिलते ही कभी भी किसी पर भी अचानक से हमला कर दे रहे हैं। डॉग एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई विदेशी डॉग्स ऐसे होते हैं जिन्हें रोजाना 8 से 10 किलोमीटर की वॉक चाहिए होती है, लेकिन इतनी वॉक उन्हें मिल नहीं पाती। इस वजह से उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और काट कर अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। हालांकि ये बात सभी कुत्तों पर लागू होती है कि रोज अच्छी तरह से वॉक करना उनके लिए जरूरी होता है। कुछ लोग घर में नौकरों के सहारे अपने डॉग्स को छोड़कर जॉब पर चले जाते हैं। सही देखरेख ना मिलने से और अकेलेपन की वजह से ऐसे डॉग्स को कई तरह की दिक्कतें होती हैं। यहाँ तक कि डॉग एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादा अकेले रहने से डॉग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कुत्ते प्यार के भूखे होते हैं, अगर ढंग से उनकी केयर ना की जाए तो उनके बिहेवियर पर इसका काफी निगेटिव असर देखने को मिलता है। वेटरनरी डॉक्टर्स बताते हैं कि ओनर्स को पिटबुल और जर्मन शेफर्ड जैसी ब्रीड के डॉग्स को घर लाने से पहले खास तौर पर इनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। बिना पूरी जानकारी के इन्हें घर लाने का मतलब है अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालना। इसके साथ ही इन डॉग्स को लेने से पहले डॉग के असली पेरेंट्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसका मतलब है कि ये पता होना चाहिए कि किन डॉग्स की ब्रीडिंग से इन डॉग्स ने जन्म लिया है। दरअसल आजकल हाइब्रिड ब्रीडिंग का कल्चर चल रहा है, जिस वजह से उनसे जो कुत्ते पैदा होते हैं उनमें कई तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। ब्रीडर्स ऐसा भी करते हैं कि अपने फायदे के लिए डॉग्स के फैमिली मेंबर्स से ही उनकी ब्रीडिंग करा देते हैं। इसका बुरा असर डॉग्स के हार्मोन्स और बिहेवियर पर पड़ रहा है। इस वजह से ये कुत्ते गुस्सैल और शिकारी बनते जा रहे हैं। इसलिए लोगों को सिर्फ इस वजह से महंगे महंगे विदेशी डॉग्स नहीं पाल लेने चाहिए क्योंकि वे स्टेटस सिंबल माने जाते हैं, बल्कि डॉग पेरेंट बनने से पहले उस डॉग से जुड़ी हर तरह की जानकारी ले लेनी चाहिए। उनका रखरखाव अच्छे से हो पाएगा या नहीं, उन्हें वक्त दे पाएंगे या नहीं, ये सब सोचने के बाद ही इन कुत्तों को घर लाना चाहिए। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार शिवम ने। पेट डॉग्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।